अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो टेलीग्राम के हवाले से है। आप लोगों के इलम में होगा कि आजकल न्यूज़ पे भी आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को कलेक्ट कर लिया है, जिसका जिसकी पॉलिसी बड़ी सख्त है, जिस पर बहुत सारे लोगों की तहफ़ात हैं, जिसका जितना भी आपका डेटा होगा, जितनी भी आपकी तस्वीर वीडियोज़ होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, कॉल्स वगैरह की, सारा कुछ उनके पास चला जाएगा। तो इसके मुकाबले में टेलीग्राम बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह बड़े सिंपल है। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके फिर उसके बाद जो भी नंबर आप जिस नंबर पे भी आप यूज़ करना चाहें कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। तो जी आप देख सकते हैं, अब प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा। कोड आया, जो 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 आपने मोबाइल नंबर दिया है कोड आ जाएगा, कोड उसको एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि नेम मांगा जा रहा है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल तरीका, अगर आप इसमें तस्वीर लगाना चाहें तो तस्वीर भी आप इसमें लगा सकते हैं या बाद में लगा, सिर्फ सिंपल आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ। तरीक़ेकार बड़े ही सिंपल है। देखिए आप वेलकम टू टेलीग्राम स्टार्ट मैसेज एंड टैपिंग, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, न्यू ग्रुप वगैरह कॉन्टेक्ट जो भी आपका होता है, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं अगर उनके इस्तेमाल में है तो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। जो भी आपका अगर फ्रेंड है तो उसको भी कहें कि डाउनलोड कर दें, फिर जो वो डाउनलोड कर देगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा कि वो भी यूज़ कर रहे हैं। किसी को भी आप इन्वाइट कर सकते हैं उससे, आप वो भी इस्तेमाल दे, आप देख रहे हैं कि जितने भी फ्रेंड्स यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ गए कि यार इसने लास्ट सीन यहाँ यूज़ किया था। बहरहाल तरीका बड़ा सिंपल है। सब दोस्तों का शुक्रिया।